सिलीप्रखंड में आज गुरुवार को रूट सेट संस्थान कर्नाटक के कार्यकारी निदेशक ने रूट सेट संस्थान सिल्ली का दौरा किया। सिद्धवाना उजरे कर्नाटक स्थित रूट सेट संस्थान के कार्यकारी निदेशक गिरिधर कल्लापुर ने आज सिल्ली स्थित रूट सेट संस्थान का दौरा किया। सिल्ली रूट सेट के निदेशक भावेश दास, संस्थान के अन्य कर्मी एवं प्रशिक्षुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने दीप प्रज्वलित कर बकरी पालन प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षुओं से बातचीत की एवं कई सुझाव दिए। अलावे संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे स्वरोजगार से जुड़े प्रशिक्षुओं से मुलाकात की। उन्होंने कार्यालय में कार्य की व्यवस्था, क्लासरूम, प्रशिक्षण व कार्यक्रम के संचालन एवं भवन आदि का निरीक्षण किया। संस्थान के विकास रिपोर्ट पर जानकारी ली। फैकल्टी सदस्य अनिल कुमार एवं जगदीश चंद्र महतो ने कार्यकारी निदेशक को सिल्ली में रूट सेट संस्थान के प्रारंभ वर्ष 2011 से अब तक की प्रगति रिपोर्ट बनाई। उन्होंने बताया कि संस्थान के द्वारा अब तक 7756 प्रशिक्षणार्थियों ने परीक्षण प्राप्त कर चुके हैं, साथ ही साथ जिसमें 5368 परीक्षार्थियों ने अपना रोजगार भी शुरू किया। उन्होंने सिल्ली रूट सेट संस्थान का सफलता दर 74% बताया है। इसके बाद कार्यकारी निदेशक ने संस्थान के उद्यमी द्वारा तैयार उत्पादन को प्रदर्शनी को देखा एवं सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रदर्शनी समय समय पर क्षेत्र के अन्य जगहों पर भी लगवानी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि रूट सेट संस्थान से जुड़कर लोग सैकड़ों न केवल अपनी आजीविका चला रहे बल्कि समाज में बदलाव भी कर रहे हैं। इस मौके पर दशरथ महतो, FLCC ट्रेनर अशोक कुमार, महेश रोहिदास, सीतारास एवं अन्य प्रशिक्षु शामिल हुए। जी का जो अभियान है 40 साल से चलते आ रही है, 1982 में शुरू हुआ, तो इसको जो है 2008 में रघुवंश सिंह प्रसाद जी ने तत्काल उस समय के जो ग्रामीण विकास मंत्री थे तो उनके एक इच्छा शक्ति के अनुरूप पूरे भारतवर्ष में 588 जिला स्थापन हुआ है। तो यहाँ पे अभी 60 प्रकार के विभिन्न प्रक्रियाओं में जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इसके साथ भी जो है जैसे हर एक जो लोकेशन स्पेसिफिक एक अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करने के लिए भी अभी जो दिया जा रहा है, हाँ अगले महीने भी इस विषय को लेकर हमारा भी मीटिंग है, अभी नेशनल लेवल मीटिंग, जिसमें वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा जी वो भाग लेंगे, जिसमें हेगड़े जी वो को चेयरमैन हैं। तो इस तरह का एक संतुलन से ये कोशिश की जा रही है कि हर प्रकार की ये सुविधा जो है, सहूलत है, ग्रामीण देहात के एरिया में मतलब दूर दूर तक जाए। तमार प्रखंड में आंगनबाड़ी यूनियन की जिला समिति गठित की गई। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की ओर से बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यूनियन के जिला पदाधिकारी का चुनाव किया गया। समिति में रंजिता देवी, जिलाध्यक्ष हेमंती देवी, उपाध्यक्ष जयवंती नाग, जिला सचिव विरांग पूर्ति, जिला उप सचिव कोयल मुनि, धान जिला सचिव बसंती बिरला, जिला कोषाध्यक्ष प्रेमिका तोपनो, जिला उपाध्यक्ष पंचमी देवी को कोषाध्यक्ष सहयोगी बनाया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अपनी मांगों को लेकर में आंगनबाड़ी सेविका 21 को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगी। अनगढ़ा प्रखंड में स्कॉर्पियो के धक्के से एक युवक हुआ जख्मी। अनगढ़ा प्रखंड के रांची मूरी मार्ग में हाहे के पास 7:30 बजे एक अज्ञात स्कॉर्पियो ने बाइक सवार राजू कारमाली को धक्का मार दिया। इस घटना में बैजनाथ टाटा का रहने वाला राजू कारमाली का दायां पैर टूट गया। बाद में समाज सेवी रामकृष्ण चौधरी उर्फ मदारी व समाज सेवी राजेश यादव के प्रयास से घायल राजू को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया। बताया जाता है कि राजू अपने बाइक से गोंदली पोखर बाजार से घर आ रहा था, तभी अनगढ़ा से गोंदली पोखर की ओर जा रही एक स्कॉर्पियो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। तमार प्रखंड में सब्जियों में आई नरमी, खाद्यान्न में गिरावट। वर्षा शुरू होते ही सब्जी के दाम में फिलहाल कुछ गिरावट आई है, लेकिन खाद्य पदार्थ की बढ़ी हुई कीमत लोगों को परेशान कर रही है। लंबे समय से खाद्यान्न की कीमत में कोई राहत नहीं मिली है। फलों के दाम में भी गर्मी के साथ खूब बढ़ोतरी हुई। इस बीच हरी सब्जियों की कीमत में भी थोड़ी बहुत कमी देखी गई है। नींबू जो पिछले माह 10 रुपये प्रति पीस मिल रहा था, वो अब 2.5 रुपये का हो गया है।
तमाड़ प्रखंड में गालवान घाटी में बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई। गालवान घाटी में बलिदान देने वाले अमर जवान की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। 3 वर्ष पूर्व भारत चीन बॉर्डर के समीप स्थित गालवान घाटी में चीन सैनिकों के साथ हुई झड़प में करीब 21 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसमें से कर्नल संतोष बाबू एवं झारखंड के 2 लाल महेश हांसदा एवं कुंदन कुमार ओझा की वीर गति को प्राप्त हो गए थे। राजधानी के माहौल को देखते हुए अमर जवान का शहादत दिवस आयोजन सादगी पूर्व किया गया। लोगों ने हाथों में मोमबत्ती जलाकर अपने देश के वीर जवानों को याद किया और उन्होंने अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय युवा शक्ति केंद्र अध्यक्ष उत्तम यादव, अशोक कुमार, सुनील कुमार सहित अन्य लोग मौजूद हुए। सिलीप्रखंड में आज गुरुवार को ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की जांच करने की मांग की। राज्य संपोषित योजना से बनने वाले 2 करोड़ रुपए की लागत से रामडेरा बड़की तार से जारू तक बनी सड़क निर्माण के बाद से ही टूटने लगी है। खबर निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि सड़क का निर्माण हुए है अभी 7 दिन भी नहीं हुआ है और जगह जगह से PCC टूटने लगा है। सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सड़क महज कई दिनों के भीतर टूटने लगी है। सड़क में लगाई गई गिट्टी छिटकने लगी है। ऐसे में सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। इससे स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि निर्माण के कारण जमकर अनदेखा किया गया है। सड़क निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। बालू गीट सीमेंट अनुपात भी ठीक नहीं रहा जिससे सड़क टूटने लगी है। सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। यही कारण है कि सड़क बनते ही टूटने लगी। यदि सड़क की इसी तरह की स्थिति रही तो कुछ ही दिन में यह पूरी तरह से जर्जर हो जाएगी।